समुंदर के किनारे पे एक मरा हुआ केचुआ आ गया, देख ही सकते हो आप लोग। और ये केचुआ और ये डॉग उसको खा रहा है कुत्ता। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। अभी मैं फिलहाल उड़ीसा पे हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6 o'clock हो रहे हैं। गाइस कुछ टाइम पहले बारिश हो रहा था यहाँ पर, रोड पूरा भीगा हुआ है और मेरे पीछे ये रेलवे स्टेशन है। तो नया दिन का शुरुआत हो चुका है। तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का। अभी पहले चाय वगैरह पियेंगे। मैंने कल आए थे भद्रक से, तो उसका भी उतना खास कुछ वीडियो नहीं बना पाया मैं उसका, तो इसलिए उसका वीडियो डाला ही नहीं। अगर मन करे, वीडियो है मेरे पास, मन करेगा तो 2-3 दिन बाद उसका भी डाल दूंगा, उसका और जलेश्वर का। तो जलेश्वर में खाना वहाँ पर अच्छा अच्छा मिलता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, यहाँ पर एक बीच है और एडवेंचर लाइफ यहाँ पर बहुत बहुत कुछ है, पहाड़ है। अभी पहले जाकर बाहर जाकर चाय वगैरह पीते हैं, सब ऑटो स्टैंड वगैरह है, ऑटो रुक रहा है यहाँ पर। यहाँ से बीच का डिस्टेंस लगभग 3 किलोमीटर होगा शायद, पैदल ही चल लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। और हालत पूरा ख़राब हो चुका है, सोचा था बाल काटेंगे आज। बारिश होने के कारण यहाँ पर उतना ठंड है नहीं जिस तरह मुझे वेस्ट बंगाल में लग रहा था सुबह सुबह। तो यहाँ पर थोड़ा गर्मी टाइप का लग रहा है, ये पूरा चेंज करना होगा थोड़ी देर बाद। जैसे स्टेशन से बाहर निकलेंगे वैसे ही दुकान मिलेगा। इस तरफ भी है, इस तरफ से भी है, इस साइड पर जाकर लेफ्ट साइड पर भी जा सकते हो आप। जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, यहाँ का पुलिस ने पकड़ लिया था हम लोगों को, तो इसी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर यहीं पर पक रहे थे हम लोगों को। अभी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर निकल जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। किसी को पुरी पे आकर स्टे करना है, पुरी मतलब वो खाने वाला पुरी नहीं है, जगह का नाम पुरी है, ये उड़ीसा में है। तो स्टे करना है तो ऑटो वगैरह सब से मत पूछो, उन लोग जाके दूसरा लोकेशन पर लेकर जाएगा। होटल अच्छा नहीं होगा, पैसा भी ज़्यादा ले लेगा, बोला ही अच्छा है। तो अच्छा सबसे प्यार स्टेशन के बाहर पहले निकलो, उसके बाद सीधा लेफ्ट साइड लेके सीधा चलते रहो, बहुत सारा होटल है, आप देख के भी ले सकते हो, नहीं तो मेक माई ट्रिप और ओयो तो है ही, इसमें से आप बुक करें तो आपके लिए सेफ्टी है, अच्छा है। तो अभी मैं फ़िलहाल बीच की तरफ जा रहा हूँ, वही सेम रोड ही है, होटल के पास से ही गुजरते हुए जाएगा। वीला का नाम ही है गोपाल वीला। अब मैं ट्रिप पे दिखा रहा था, इसका प्राइस एक रात के लिए 3636 समथिंग। तो आगे भी और भी है, और आगे चलता हूँ, अभी डायरेक्ट बीच पे जाता हूँ, प्रीरिटा बीच पे। तो यहाँ पर 2-3 होटल एक साथ है लगा हुआ है, देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर बुक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ये कृष्णा विला है। तो भाई बीच पे एंट्री कर लिया, यहाँ पर जंगल वगैरह है और सामने वो देखो बीच से, यहाँ पर अभी काम चल रहा है बीच का, रोड वगैरह बना रहा है। लाइफ में हर एक बीमारी का इलाज है, लेकिन नेगेटिव लोगों का कोई इलाज नहीं है। तो जितना भी हो सके नेगेटिव लोगों से दूर रहो और उन लोगों के पास उतना मत जाओ। अभी मैं बेहतरीन लोकेशन पे हूँ, देखो ये बीच है, प्रीरिटा बीच, ये है पुरी पे बीच का लुक, थोड़ा अब लोग इस बीच पे नहाना अलाउ नहीं है, अगर नहा रहे तो खुद के रिस्क पे मेरे ख्याल से मत नहाओ। इस साइड पे पता नहीं किस चीज़ का भीड़ है, जाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद। भीड़ भाड़ इलाका में उतना मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर सूर्य अभी चल रहा है, देखो बीच पे बहुत लहरें मार रहा है, देखो यहाँ पर कैमल सफारी भी है, कैमल उठ के पीठ पे उठ के पिक्चर वगैरह क्लिक कर सकते हो। एक पूरा दुल्हन सजा के दे दिया इसको। मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग, ऊँट है, लेकिन बोला था पिक्चर क्लिक करने के लिए कितना, बोला पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते हो, ऐसे बड़े लोगों के लिए 100 लेता है, छोटा बच्चा के लिए 50 रुपीज़, चर के घुमाएगा पिक्चर नहीं क्लिक करेगा। तो मेरा कुछ चीज़ का फ़ायदा नहीं है उस पर, बाद में देखेंगे, रिक्वेस्ट करने के बाद अगर हो जाएगा तो कर लेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर सुबह सुबह, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 7:15 हो रहा है, सब लोग नहाने के लिए आ गए। अभी यहाँ पर ठंडा बिल्कुल है ही नहीं, जब तक कपड़ा पहन के रहोगे तो ठंडा लगेगा, कपड़ा खोलने के बाद गर्मी लगने लग जाता है। पानी पता नहीं गर्म है कि नहीं है, सभी लोगों का नहाने देख के मुझे भी नहाने का मन कर रहा है, लेकिन कपड़ा वपड़ा चेंज नहीं करेंगे, अभी दूसरा बीच पर डायरेक्ट जाके नहाएंगे। तो देखो सब लोग नहा रहे हैं और पानी बहुत बहुत लहरें मार रहा है, देखो आप लोग बहुत लहरें देखो। और यहाँ पर घोड़ा भी है, कैमल भी है,
सब लोग सफारी कर रहे हैं। देखो बोट दिख रहा है, इन लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। देखो अभी स्टार्ट दे दिया, कितना लहरें मार रहा है देखो, आप खुद ही देख सकते हो। धूप आ रहा है इस साइड से, उसके लिए उतना सही से नहीं दिखाई दे रहा है। इस साइड से मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं इन लोग, और इस साइड पर लोग नहा रहे हैं। देखो सुबह सुबह ही नहाना स्टार्ट हो गया, गर्मी भी चालू हो गया। अभी कपड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये सब अंकल अभी नेट बना रहा है इस साइड पर मछली पकड़ने के लिए। तो दो बैठ के, बहुत बड़ा नेट है, इससे मछली पकड़ते हैं। और ये बोट वगैरह जा रहा है, देख सकते हैं। और पीछे भी एक भाई है, वो भी बना रहा है। इस पे कौन सा मछली बैठता है? सब समुद्र का ही है ना। अब बोट से जाते हो ना मारने के लिए। चलो भैया बना रहा है। तो गाइस कपड़ा चेंज कर लिया फाइनली, स्वेटर वगैरह निकाल के टी शर्ट पहन लिया। अभी लोग बोलते हैं ना बादाम खाने से अकल आता है, लेकिन एक्चुअली बादाम खाने से नहीं, धक्का खाने से अकल बढ़ता है। तो जितना धक्का खाओगे उतना लाइफ में उतना सक्सेस मिलेगा। लोग बाहर निकलो, लोग धक्का दे देंगे, तुमको सिखा ही देगा। जो कुछ नहीं आता है, दुनिया बहुत आराम जाती है, सब कुछ सिखा ही देगा तुमको। मतलब सीखना ही पड़ेगा तुमको, और लाइफ में एक जुनूनियत रखो, करना है तो करना ही है, और जो नहीं करना है कोई कितना भी बोले वो करना ही नहीं है। जो करना है एक जुनूनियत रखो, लाइफ में निकल पड़ो, खा खा के आगे बढ़ जाओगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। लोग सभी लोग लाइफ में कुछ ना कुछ करते ही है। जैसे मैंने परसों वाला वीडियो में दिखाया था सियालदह रेलवे स्टेशन के बारे में, उसमें इतना भीड़ रहता है। अगर आप स्टेशन के बाहर 200-300 फुट दूरी पे रहोगे ना, 200-300 मीटर, तो लोग ऐसे खड़ा रहोगे, लोग धक्का दे देगा, तुमको स्टेशन कब पहुँचाई देगा तुमको ही पता नहीं चलेगा। तो लाइफ में वैसा ही है, बाहर निकलो, धक्का खाओ, सीखते जाओ। इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगा आप लोगों को। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे हर वक्त कि बुरा होगा, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। लाइफ में काम करते जाओ, अगर आपको लग रहा है सही है तो बेशक करते जाओ। अगर सक्सेस भी नहीं मिला ना, तो उस काम के करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, और नेक्स्ट स्टेप जब लोगे आप इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेस होंगे। तो ये बात याद रखना, कोई भी काम अगर आपके मन से लग रहा है सही है, ये काम मैं कर सकता हूँ, तो बेशक करो। एक बार फेल होंगे, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, 11 बार के अंदर तो आप सक्सेस तो मिल जाओगे। उससे भी ज़्यादा टाइम लगे तो करते जाओ, अगर आपके अंदर खुद के अंदर यकीन है तो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? केचुआ आ गया समुद्र से। देखो समुंदर के किनारे पे एक मरा हुआ केचुआ आ गया, देख ही सकते हो आप लोग। और ये केचुआ और ये डॉग उसको खा रहा है, कुत्ता। तो पानी के साथ मतलब मर गया था, पानी ने उसको लहरते करके समुद्र के किनारे पे ला के रख दिया, और बदबू भी बहुत मार रहा है। और ये नज़ारा देखो, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अभी यहाँ पर ठंड नहीं है उतना, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है, देख ही पा रहे आप लोग। और यहाँ पर ठंड उतना नहीं है, गर्मी पड़ रहा है, मुझे भी गर्मी लग रहा है। इसके किनारे पे एक सैलून था, तो थोड़ा बाल काट लेते, बहुत गर्मी भी लग रहा है यहाँ पर। तो अभी हेयर कट करने के लिए आए थे भैया के पास, हेयर कट करते फिर मिलते हैं यहाँ पर। भैया यहाँ पर सबसे अच्छा बीस कौन सा है? और कौन सा? इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्टी वेटी करने के लिए। दूसरा इससे अच्छा बीस है कौन सा है? आगे इस साइड पे। अच्छा, इधर से पैदल जा सकते हैं ना? ठीक, तो पहले हेयर कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पैदल चलेंगे इसके। चिकन और राइस थोड़ी सी दुकान पे खा रहे हैं स्टेशन के बगल में, तो अभी खा के फिर दूसरा जगह के लिए निकल जाएंगे। तो गाइस पेट पूजा करने के बाद वो वाला बीच से निकल के हेयर कट करके खाना वगैरह खा के अभी दूसरा वाला बीच के पास जा रहा हूँ। अभी जिस बीच पे जा रहा हूँ उसका नाम है नीलाद्री बीच, तो वो वाला बीच छोड़ के बस वहाँ से 10 मिनट का पैदल आ जाऊँ, उसके बाद ये बीच मिलेगा। मेन रोड से अंदर गली है, गली से घुस गया अभी, रोड पर कुत्ता है अभी, देख रहे हो आप लोग। बीच जाने से पहले मुझे ये चीज़ दिखाई दिया, यहाँ पर शायद फीचरिंग वगैरह करता होगा, पानी भी छोड़ता है यहाँ पर, स्विच गेट भी है ये वाला। तो ये नीलाद्री बीच का गेट है, और एक कौवा भी बैठा हुआ है बीच इस साइड पे है, लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, पार्क टाइप पार्क होके जाना पड़ता है। फर्स्ट टाइम जिस बीच पे गए थे उसका नाम है प्रेरिटा बीच, तो उस पर कुछ था नहीं, लोग ऐसे नहा रहे थे। और इसका बीच इस साइड पर है, ये बीच है, बीच का जस्ट अपोजिट साइड पर पार्क टाइप का है, पार्क के गेट से जाके अंदर आके बीच में जा सकते हो। अब अगर डायरेक्ट उस बीच से आ रहा हो प्रेडेटा बीच से, तो डायरेक्ट बीच से किनारे से आ सकता है। इसमें बहुत सारा पेंटिंग वगैरह किया हुआ है, और मूर्ति बना के रखा हुआ है वॉल पे,
और यहाँ पर देखो खूबसूरत नज़ारा है। अभी जाएंगे इसका इसका थोड़ा घूम लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जाके बीच पे मिलते हैं। चलो, यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप भी है, कोरापुत कॉफ़ी, अभी तो फ़िलहाल बंद है, शाम के टाइम पे खुलेगा शायद। और इस साइड पे भी कुछ बना हुआ है, देखते हैं अंदर चलते हैं। और यहाँ पर लिखा है नीलाद्री बीच, मछली वगैरह है, देखो सब लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से पूरा दिख सकते हैं, वॉलीबॉल वगैरह भी खेलता है लोग। और यहाँ पर पैर वगैरह लगा के रखा हुआ है, मतलब बना के रख दिया है लोग आके सुबह मॉर्निंग के टाइम पे या शाम के टाइम पे रेस्ट करता है हुआ। और ये बीच है नीलाद्री बीच, और मैं जिस पहली बार जो बीच पे गया था वो वाला सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर होगा शायद। तो नीलाद्री बीच पे आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। तो आइए, देखो मेरे पीछे बीच है। तो अभी इस पर कोई नहीं आ रहा है, नहाने का सिस्टम है। अच्छा, दिख रहा है मुझे मेरे सामने एक दो लड़का लड़की लोग नहा रहे हैं, शायद नहा रहा है, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहा है, लेकिन इसमें उतना है नहीं। लेकिन नहाने के लिए आ रहे हो तो प्रेरेटा बीच पे जाओ, उस पर नहाने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, डर का कोई इशू नहीं है। इस पर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहा है मुझे, एक दो ही नहा रहा है, बाकी का तो पता नहीं। लेकिन बीच के किनारे पर आकर मुझे बहुत सुकून सा महसूस होता है, जितना भी थकान वगैरह रहता है, परेशानी वगैरह सब खत्म दूर हो जाता है, भले एक दो घंटा के लिए बट हो जाता है, अच्छा लगता है। आप लोग भी आइए बीच के किनारे पे। और इस साइड पे लहरें भी कम आ रहे हैं, पानी भी बहुत दूरी पे है। इस साइड जाएंगे, उस साइड पे जूता वगैरह खोलेंगे, खोल के थोड़ा पैर वगैरह धो लेते हैं, यहाँ पर आए हैं तो कर लेते हैं। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 2:40 हो रहा है, अभी यहाँ पर 10-15 मिनट रुकेंगे, उसके बाद चला जाएंगे दूसरा डेस्टिनेशन के लिए। और अभी तो फिलहाल एक हफ्ता तक ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, एक हफ्ता बाद कुछ एडवेंचर आने वाला है, तो आप लोग वेट एंड वॉच, बाकी पहले ही बता दूंगा तो सरप्राइज क्या हो जाए। मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर जूता रख दिया, देखते ही पा रहे आप लोग, और यहाँ तक पानी जाता है। मैं भी फ़िलहाल यहाँ पर खड़ा हूँ, जूता वगैरह खोल के, पूरा लॉन्ग पैंट पूरा भीग गया मेरा, और पानी देखो कितना तेज़ी से आ रहा है। और आ रहा है, इस बार आ रहा है, पूरा भीग जा रहा है, तो थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। मेरे साथ अभी कोई नहीं है, नहीं तो कैमरा दे देते पकड़ने के लिए, वीडियो बना देता, तो अकेले अकेले किसको दूँ, किसी को अगर वीडियो बनाने के लिए दे दूँगा यहाँ पर लेके भाग जाएगा तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा ना।